आसमान से गिरी बर्फ के फुहारों ने जमी पर डेरा डाला तो सैलानी कुदरत की इस बेपनाह खूबसूरती का दीदार करने उमड़ पड़े। जम्मू कश्मीर का ताज माने जाने वाले गुलमर्ग में पारा शून्य से नीचे गोता लगा रहा है। ताजा बर्फबारी ने इसे धरती की जन्नत बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। हरे भरे पेड़ सफेद हो गए हैं, धरती पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। बर्फ से झकझक सफेद पहाड़ों ने भी पर्यटकों को बुलाना शुरू कर दिया है, तो दूर दूर से सैलानियों का काफिला गुलमर्ग की ओर चल पड़ा है। 3 दिनों का आए हुए और स्नोफॉल में मजा आ रहा है। यहाँ पे डरने जैसी कोई बात नहीं है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम। गुलमर्ग में बहुत ही खूबसूरत जगह है, इधर बर्फ भी बहुत है, बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं और यहाँ की सारी चीजें बहुत अच्छी है। जिंदगी में एक बार कश्मीर आना चाहिए। गुलमर्ग पहुँचे पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं है, इस दिलकश नजारे को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं, बर्फ पर मौज मस्ती कर रहे हैं। सबका कहना बस यही है कि धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो यही है। लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम कश्मीर आया हूँ और मैंने लोगों से सुना था कि भाई कश्मीर को जन्नत बोलते हैं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे आया हूँ। गुलमर्ग में आज मेरा पहला दिन है, मैंने देखा बहुत ही बेहतरीन जगह है, माशाल्लाह माशाल्लाह। गुलमर्ग से करीब 1.5 घंटे की दूरी पर मौजूद श्रीनगर में भी हिमपात ने नजारा मनमोहक बना दिया। वीरवार से यहाँ जमकर बर्फबारी हो रही है। आसमान से गिरती बर्फ की रफ्तार इतनी तेज है कि जमीन पर बर्फ का अंबार लग गया है। सड़कों पर कई इंच बर्फ की चादर बिछ गई है। मकानों की छतें, सड़कें, गली कूचों तक बर्फ की चादर बिछ गई है। पेड़ पौधे बर्फ से ढक गए हैं। बर्फ ने कारों को, गाड़ियों को चारों ओर से लपेट लिया है। सब कुछ सफेद हो चुका है। भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर दोनों ओर से यातायात रोक दी गई है। रामबन और बनिहाल के बीच आवागमन बंद कर दिया गया है। अगले कुछ दिनों तक जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में और भी बर्फबारी के आसार हैं, जिससे स्थानीय बाशिंदों की मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती हैं। भारी बर्फबारी के चलते करगिल का श्रीनगर और जम्मू से संपर्क टूट गया है, जिसके बाद सेना ने करगिल से श्रीनगर और जम्मू के लिए कुरियर सेवाओं की शुरुआत की है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।